और यहाँ से आगे मत जाइए, और यहाँ से आगे मत जाइए। ये बात यहाँ अगर आप यहाँ रुकेंगे तो सनसेट और सनराइज दोनों के ही जबरदस्त व्यूज आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ की सीनरी, यहाँ के व्यूज को भुला नहीं पाएंगे। बहुत खूबसूरत और यहाँ से जाने का मन नहीं किया। तो शादी में उनको दहेज में ये 400 एकड़ का स्टेट जमींदार ने दिया। शांत है बिल्कुल, तो दिल कर रहे हैं काफी देर तक रुके। इस तरफ का भी व्यू देखो आप। जोस्ता वहाँ पे खड़ी है। हेलो, हाँ तो हेलो फ्रेंड्स, आपका वापस से स्वागत है चैनल पे। और आए आपको लेके चलते हैं क्लाउड सैंड रिजॉर्ट मसूरी के खूबसूरत सफर पे। क्लाउड सैंड के बहुत ही खूबसूरत दृश्य इस वीडियो में है, वीडियो को मिस मत कीजिएगा। लेट्स बिगिन द वीडियो। पहाड़, बादल, बर्फ, वाओ, है ना, वाओ। मैंने क्लोज करके भी लिया, वैसे भी इतना खूबसूरत लग रहा है। अल्टीमेट है, व्हाट अ व्यू, बहुत खूबसूरत। ये जगह ही बहुत खूबसूरत है। GoPro इसका जस्टिस नहीं कर पाएगा। हाँ। रियल आंखें ही देख सकती है, रियल आंखें ही बता सकती है बस। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर दोबारा। बैठो बैठो, इस पे करेंगे। हाँ। चलो कल भी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। तो यात्रा शुरू हो गई अपनी क्लाउड सैंड की तरफ। और पहली चीज़ जो ध्यान में आती है कि दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत हरियाली फैली हुई है। जंगलों के बीच से निकल के हम जा रहे हैं और ये जगह 3 किलोमीटर है सिर्फ जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं, लेकिन मसूरी से ये जगह 7.5 किलोमीटर दूर है मसूरी माल रोड से। और आप ईज़िली गाड़ी ही वहाँ तक जाती है क्लाउड सैंड तक, और आप ईज़िली वहाँ तक पहुँच सकते हैं। एक बात और आपको बता दूं, हम क्लाउड एंड रिजॉर्ट में जा रहे हैं लेकिन हमारा वहाँ पे कोई स्टे बुक नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इसको बुक कर सकते हैं। अराउंड 5000 समथिंग ऐसा है, और खाने पीने की सारी सुविधा अंदर है। लेकिन अगर ना चाहें आप तो सिर्फ टिकट लेके, शायद कुछ टिकट है वहाँ पे, आप अंदर जाके घूम के आ सकते हैं। एरिया हाथी पाँव का एरिया कहलाता है, शायद कोई गांव होगा हाथी पाँव के नाम से। जा रहे हैं फिर जंगलों में। जंगल तो ये सारा ही है, हाथी पाँव है तो इस एरिया का नाम। फिर एक गाड़ी आ गई, फिर प्रॉब्लम हो गई क्रिएट। छोटी सी सड़क है और यहाँ पे यही दिक्कत आती है, अगर गाड़ी सामने से आ जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ पे एक खूबसूरत पॉइंट दिखाई दिया है और हम रुक नहीं पाए, गाड़ी रुकवा दिए। बहुत ही खूबसूरत बादलों के बीच से पहाड़ और साइड में एक नदी, शायद ये यमुना नदी बह रही है, और ये शायद देहरादून का सीन है। तो ये क्लाउड एंड पहुंच गए हम, तो ये गेट है, यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे। अब चलते अंदर, टिकट लगेगा, अंदर चल के पता करते हैं कितना टिकट है। लेकिन आप चाहें तो अंदर ना जाके आप ये साइड वाले रास्ते से आगे निकल जाएं, थोड़ी दूर पे जाने के बाद ही आपको बहुत ही खूबसूरत हिल्स के व्यूज़ देखने को मिलेंगे, और आप फ्री में पूरा इंजॉय कर सकते हैं सारे व्यूज़ का। हम अंदर जा रहे हैं क्योंकि हमें म्यूजियम विजिट करना है। क्या क्या है व्यू पॉइंट? इको पॉइंट, व्यू पॉइंट, फोटो गैलरी, सब यहीं पे। म्यूजियम डिस्प्ले किया ग्लास के बाहर से देखना है, 200 पर पर्सन चार्जेस। म्यूजियम का गेट एंट्री का, गेट एंट्री का 200, एजल 200। कितना टाइम लग जाएगा? 400 मीटर में पूरा राउंड, एक घंटे में हो जाएगा। हाँ, आराम से, आराम से। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस हेरिटेज प्रॉपर्टी के अंदर जाएं ही और आप टिकट लें। अगर आपका हिस्टोरिकल चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है तो आप मत जाइए इसके अंदर, आप सीधे ये रोड से निकल जाइए। थोड़ा ही आगे जाके आपको ज़बरदस्त व्यू पॉइंट्स, हिमालयन व्यूज़, दून वैली के पहाड़ों के जबरदस्त व्यू फ्री में मिल जाएंगे।
200 चार्ज है पर हेड एडल्ट का, 200 रुपये हमारे, 400 रुपये लगे, 400। तो हम लोग चलते हैं अब क्लाउड एंड। तो हम लोग पहुंच गए हैं क्लाउड एंड रिजॉर्ट के अंदर, वो सामने बंगला बना हुआ है, 1832 में बनाया गया था ये इतना मुझे मालूम है। और यहाँ एकोमोडेशन भी आपको मिल सकती है, कॉटेजेस वगैरह रूम्स, और ये 5000 से ऊपर ही है शायद। खाने पीने के लिए कैंटीन है यहाँ पे, तो खाने पीने की सुविधा सब मिल सकती है आपको। हाँ ये डॉगी परेशान हो रहा है बेचारा, हमको मना कर रहा है ये आने के लिए। सेंचुरी का था ये, मुझे वो पता, ये टेलीस्कोप पहले का ईट है शायद, ईट है उनकी फोटो वगैरह सब सामान रखे हैं। टाइगर हिरन के सीन, ये कैटल वगैरह उनके, ये म्यूजियम है आप देख सकते हैं, छोटा सा ये, ज्यादा कुछ सामान नहीं लेकिन अच्छा है, कलेक्शन अच्छा है काफी। तो छोटा सा म्यूजियम है यहाँ पे जिसमें सारा ब्रिटिश काल का उस ज़माने की चीज़ें रखी हुई हैं, टाइगर की खाल भी है, हिरन के सींग भी हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं आप। तो एक तरह का वॉक बैक इंटरव्यू टाइम है। ये सब रूम्स वगैरह हैं, एकोमोडेशन सब यहाँ अवेलेबल है, लेकिन 5000 से ऊपर ही है, 5000 समथिंग है मैंने पता किया है। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे फोटो गैलरी है उसका विजिट करते हैं, व्यूज़ देख लीजिए आप कितना शानदार है। ये कॉटेजेस आप देख रहे हैं, कॉटेज भी बनी हुई है, आप इनको भी ले सकते हैं। और यहाँ से रास्ता है शायद फोटो गैलरी का, इधर कैंटीन का रास्ता दे रखा है। अच्छा उधर इको व्यू पॉइंट, इधर से जाना पड़ेगा इको व्यू पॉइंट के लिए, 100 मीटर्स पे है यहाँ पे फोटो फोटो गैलरी पर देख के आता हूँ। फोटो गैलरी क्लाउड एंड की हिस्ट्री है। तो यहाँ की स्मॉल हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ, ब्रिटिश मेजर एडमंड स्वीटनहैम जिन्होंने ये बंगला बनाया 1838 में अपनी ब्यूटीफुल पहाड़ी पत्नी के लिए, उनकी पत्नी के फादर जो थे लोकल जमींदार थे, उन्होंने ये जगह 400 एकड़ की ये जगह उनको एज डॉवरी दहेज में दी थी। एक फेरी टेल है, एक स्टोरी है कि स्वीटनहैम एक वॉक के दौरान जब मसूरी में वॉक कर रहे थे किसी शिकार के अभियान पे या किसी में थे, उनके साथ उनके कंपनी मैन भी थे, तो उनमें पहाड़ों में उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ गाने की सुनी, उन्होंने आवाज़ को फॉलो किया और जब वो पहुँचे सिंगर के पास तो वो एक बहुत खूबसूरत लड़की थी पहाड़ी जो डर गई इनको देख के और वो अपने घर भाग गई। उसको फॉलो किया उन्होंने और मेजर ने उनके फादर से परमिशन लेके उसको मैरी किया। तो शादी में उनको दहेज में ये 400 एकड़ का स्टेट जमींदार ने दिया जिसमें उन्होंने उसके लिए एक खूबसूरत बंगला बनाया और इसको 1838 में ये पूरा हुआ बन के, 500 लेबर इसमें काम किया और 4 जनरेशन स्वीटनहैम की यहाँ पर रहीं और आज भी ये उन्हीं के नाम पर स्वीटनहैम के नाम पर ट्रिब्यूट है। 7000 फीट अबोव है, 400 एकड़ का ये प्राइवेट फॉरेस्ट है जिसको क्लाउड एंड इस्टेट बोलते हैं। बाद में 1964 में स्वीटनहैम अपने वापस इंग्लैंड चले गए थे, लेकिन उनके जो डिसेंडेंट्स हैं यानी उनके बाकी लोग हैं उनके परिवार के, उनकी बेटियां ग्रैंड डॉटर्स, वो भी ऑफिसर्स रहीं ब्रिटिश उसमें इस्टेब्लिशमेंट में। अभी ये अग्रवाल, मिस्टर दुर्गा राम अग्रवाल जो यहाँ के जनरल मैनेजर हैं वही इसकी देख रेख करते हैं। तो ये यहाँ की स्टोरी है, दून वैली का बहुत खूबसूरत व्यू यहाँ से दिख रहा है और ओक एंड पाइन के जंगल हैं, पेड़ हैं। तो ये फोटो गैलरी में आप मसूरी का पास्ट देख सकते हैं, पुरानी मसूरी, ब्रिटिश काल की मसूरी, और बहुत ही एक्सक्लूसिव फ़ोटोज़ यहाँ पे कलेक्ट किए गए हैं। फ़ोटोज़ का कलेक्शन बहुत ही एक्सक्लूसिव है, पुरानी मसूरी का ब्रिटिश काल के टाइम के एक्सक्लूसिव फ़ोटो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जिन लोगों का इंटरेस्ट है इस चीज़ में, हिस्ट्री में, हिस्टोरिकल फैक्ट्स में, उनके लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। बाकी विजिट तो आप वैसे भी कर सकते हैं।
फोटोग्राफ्स हैं जो शायद और कहीं आपको मिल भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ से 100 मीटर पे इको व्यू पॉइंट है, आ जाओ ना इको व्यू पॉइंट, चलते हैं 100 मीटर कोई जाना नहीं है, चलते हैं। यहाँ पे हम जो भी चीज़ें देखते हैं उनका उसको कैसे हम डिस्क्राइब करें, कैसे उसको बताएं हम, क्योंकि हर चीज़ इतनी खूबसूरत लगती है तो सबको यही कहते हैं अल्टीमेट मैग्निफिसेंट, मतलब कहाँ तक कितने शब्द लाएं। तो बस आप समझ जाइए अच्छा है, बस यही कह सकते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। मसूरी के माल रोड की भीड़ भाड़ से दूर बहुत ही अच्छा है। क्या ये इको पॉइंट नहीं? अभी चलो ना, ये इस साइड का नजारा। हो हो, वाओ क्या सीन है। मौसम है, क्या सीन है, क्या सीन है, उधर देखो, उधर देखो क्या सीन है। तो देख लो भाई, ये तो ये वाला एरिया तो जबरदस्त है, ये व्यू भुलाए ना भूलने वाला व्यू है, उधर चलते हैं। इको पॉइंट इधर से लेंगे। अगर आप यहाँ स्टे करेंगे या अगर आप यहाँ विजिट के लिए आएंगे तो मैं पक्का कह रहा हूँ कि आप ये जीवन भर यहाँ के दृश्य, यहाँ के सीनरी, यहाँ के व्यूज़ को भुला नहीं पाएंगे। पक्षी प्रेमी बहुत सी बर्ड्स की प्रजातियों को यहाँ स्पॉट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ हिमालयन ब्लैक बियर, लेपर्ड, फीजेंट्स यहाँ पाए जाते हैं। तो आप यहाँ के रेस्टोरेंट में पहाड़ी खानों का, स्थानीय डिशेज का और विशेषकर गढ़वाली खाने का मज़ा लेना ना भूलें अगर आप यहाँ पर रुकने की सोच रहे हैं तो। देख लो भाई, ये तो ये वाला एरिया तो ज़बरदस्त है। तो दोस्तों, प्राकृतिक सौंदर्य के दीवानों के लिए ये जगह स्वर्ग से कम नहीं है। अगर आप यहाँ रुकेंगे तो सनसेट और सनराइज दोनों के ही जबरदस्त व्यूज आप यहाँ से ले सकते हैं। आसपास फैली हुई नैसर्गिक छटा को निहार सकते हैं, पक्षियों के कलर सुन सकते हैं, पक्षियों की आवाज़ें, ब्यूटी, ये हरियाली को देख सकते हैं। उधर पता नहीं कोई होटल है, वो क्या है वो पे। मेरा इस जगह का अनुभव अद्वितीय रहा है, शब्दों से परे है। अगर आप भी ऐसी जगहों की खोज में रहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप जुड़े रहें हमारे साथ। ये देखिए आप व्यू, क्या यार क्या व्यू है। यार इससे आगे मैं जा नहीं सकता हूँ, बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है यहाँ पे, तो इससे आगे जाने में तो मैं इन पत्थरों के पास ही रुक गया हूँ। थोड़ा सा कदम भी आगे रखने हैं और बाई चांस फिसल जाए या कोई घास से स्लिप हो जाए तो ये हज़ारों फीट डाउन जाएगा, रुकेगा नहीं आदमी यहाँ पे। तो ऐसी जगह जाए तो थोड़ी सी डिस्टेंस भी बना के रखें ऐसी जगहों से जहाँ पे थोड़ा सा भी खतरा हो, जैसे इधर नहीं जाना चाहिए। बाकी व्यू बहुत प्यारा है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं थक गया आपको दिखा दिखा के, लेकिन अल्टीमेट व्यू है, मेसमराइजिंग मेसमराइजिंग कह सकता हूँ मैं इसको, बस ज़बरदस्त है। देख लो आप इधर क्या ज़बरदस्त है, वो देखो आपको दिखाता हूँ, वो सामने वाइट कलर की जो है वो नदी है, इस आबादी से आगे और बादलों से नीचे, पहले फिर उसके बाद पहाड़ है, फिर बादल है काले, फिर वाइट बादल है और इधर ऊपर
अजीब से कलर के हैं। तो देख रहे आप जबरदस्त नज़ारा है जहाँ पे मैं आया हुआ हूँ, लैंड सैंड नहीं क्लाउड सैंड, ये जगह है क्लाउड सैंड, उसका ये इको पॉइंट है, जबरदस्त वाला व्यू है यार। इधर देखो क्या नज़ारा है, घूम लिया है क्लाउड सैंड और अब चलते हैं वापस। बहुत अच्छा लगा, ये ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ का, यहाँ पे आना सफल हो गया। आपको ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे एक बार, अगर आपको टाइम लगे मसूरी आने का तो मसूरी माल रोड पे ना रुक के इधर आ जाएं क्लाउड सैंड की तरफ। यहाँ पे दो तीन पॉइंट्स हैं, जैसे जॉर्ज पॉइंट, फिर ये क्लाउड सैंड और है दलाई हिल्स, इसके अलावा सेंज विलेज है, एक नेशनल पार्क भी है, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जबरकट्टा ऐसे कुछ है, वो भूल रहा हूँ। इस तरह के कई पॉइंट्स हैं मसूरी में भी, देखने लायक बहुत सी जगह हैं। अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो मसूरी में बहुत सी जगह आपको ऐसी मिल जाएंगी, जैसे लैंडोर है, वो भी एक कंस्ट्रक्शन वहाँ पे अलाउड नहीं है, तो वो अभी तक काफ़ी अच्छी जगह बनी हुई है, लैंडोर भी आप जा सकते हैं। ऐसे कई जगह मसूरी में भी आपको मिल जाएंगी जहाँ पे कि आप जा सकते हैं। अब यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं आगे। इधर तो सबसे ही ज़बरदस्त है, वो नहीं है। अच्छा लगा यहाँ पे आके, मज़ा आ गया। सुबह का टाइम जो हमारा था उसको हमने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बहुत जल्दी आ गए, तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस भी नहीं है, लोग ज़्यादा नहीं है, तो अच्छे से हम लोग इन्जॉय कर पा रहे हैं। ऑक्सीजन इतनी प्योर है, मन करता कितनी फेफड़ों में भर लें, बहुत ही प्योर है। पता नहीं यार, मुझे पहचान नहीं है क्या है, जो उसने कैसा लग रहा है, बहुत खूबसूरत। असल में बताऊं तो यहाँ बहुत मन लग रहा है, और लग रहा है कि काफ़ी देर तक हम यहाँ बैठ के टाइम अपना अच्छा से बिताएं यहाँ पर। एक वजह ये भी है ना, यहाँ लोग नहीं आए अभी तक, खाली अभी, काफ़ी शांत है बिल्कुल, तो दिल कर रहा है यहाँ काफ़ी देर तक रुके। इस तरफ का भी व्यू देखो, हमारे पीछे का व्यू देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है ना। बहुत इनकी पूरी हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी अंदर म्यूजियम में सारा बताया हुआ है, किस तरह से क्या हुआ था, यहाँ के फैक्ट्स हैं, आप रोक के पढ़ लेना, मेरे वीडियो में डाले हुए हैं, ताकि आप लोग इधर जरूर आना, बहुत खूबसूरत है। खाली 3 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, और गाड़ी आती है, और गाड़ियाँ पूरा यहीं पॉइंट पे बाहर तक गाड़ी आती है, आप फिर अंदर आके घूमिए और आराम से इंजॉय करिए। यहाँ पर कैंटीन भी है, यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत सी, अपना अच्छा खूब खाइए पिए, वहाँ पर इंजॉय करिए, यहाँ पर बहुत प्यारे लम्हे बिताइए, यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा पॉइंट है कुल मिला के, मतलब ये इसको मिस नहीं करना चाहिए, जरूर 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 आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। क्लाउड एंड मस्ट विजिट प्लेस, चलते हैं आप। इधर देखो ना कितना शानदार है, आगे मत जाना, बस आगे मत जाना, उधर देखो, इससे आगे नहीं, इससे आगे जाना इससे मना है, आगे खतरा है, मना है, नहीं तो फिर सारा एंजॉय हो जाएगा। वो तो फिर रास्ता ही कहीं कहीं अलग का टिकट कट जाएगा, ज्यादा एंजॉय का रास्ता कट जाएगा हमारा, छोड़ने का मन नहीं कर रहा अभी। पूरी कल रात से पूरी बारिश हुई है, इसकी पूरी रात बारिश हुई है, एरिया और है बहुत खूबसूरत सा, और ठंडा सा अच्छा मौसम, इधर भी है सब तरफ ही, मतलब कहाँ कहाँ बताएं आपको, इधर देख लो हमारे पीछे, बहुत खूबसूरत, मतलब कह नहीं सकते, हर जगह बहुत बेहतरीन है। देखो कितना सुंदर आकाश लग रहा है, देखिए आप, देखिए कितना खूबसूरत है, पीछे धूप आ गई, अब तो कल पूरे दिन बारिश हुई है लेकिन अब धूप आ गई, बहुत खुश होता, बड़ा मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आता है ना, बहुत बहुत खूबसूरत, और यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, शांत वाला वातावरण है यहाँ का, और आप लोग ज़रूर आना यहाँ पर, बहुत पास में भी, कोई दूर भी नहीं है, अंदर आइए घूमिए, सारा म्यूज़ियम भी है, कैंटीन भी इंजॉय करिए, और ये पार्क भी इंजॉय करिए, और यहाँ से आगे मत जाइए, और यहाँ से आगे मत जाइए, यहाँ से आगे खतरा है। व्यू देखिए, ये है सारा, जितनी फोटो लेना उतनी कम है, जितना वीडियो बनाए उतना कम है। इसी तरह की ऑफ बीट जगह जहाँ कम टूरिस्ट जाते हैं, ज़्यादातर लोग मेन हिल स्टेशन पे जाते हैं, आगे भी दिखाता रहूँगा इस तरह की जगह, थोड़ी सी हटके, थोड़ी सी जो कॉमन है उससे थोड़ा सा हटके मैं आपको दिखाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो लोग चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको क्लाउड सैंड का ये व्यू पॉइंट
कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे आप लोग नए हैं, जो लोग भी चैनल को नया देखने वाले हैं, जो लोग पहली बार चैनल पे हैं देख रहे हैं, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।